क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कि फैक्टराइज नंबर 1 12x² - 7x + 1, फिर नंबर 2 में 2x² + 7x + 3, नंबर 3 में 6x² + 5x - 6, और नंबर 4 में है 3x² - x - 4। तो चारों क्वेश्चंस को बारी बारी से हम फैक्टराइज करेंगे। वन नंबर में है 12x² - 7x + 1। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो पॉलीनोमियल्स हमारे पास दिए हुए हैं ये ax² + bx + c के फॉर्म में है, और यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं ना कि एक में स्क्वायर है दूसरे में स्क्वायर नहीं है। तो जब भी हमारे पास में क्वेश्चन ax² + bx + c के फॉर्म में रहेगा तो बीच वाले टर्म को हम लोग तोड़ देते हैं, यानी मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसको बनाएंगे। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का तरीका क्या होता है, रूल क्या होता है? तो जो x² का कोफिशियंट होता है, यानी x² का कोफिशियंट हमारा 12 है, और जो हमारा कांस्टेंट टर्म है 1 है, तो x² के कोफिशियंट को और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 12 हमारा आएगा ना, ये हमारा प्लस में है, यहाँ भी प्लस में है, यानी प्लस 12 हो गया। अब यहाँ अगर प्लस 12 है, दैट मीन्स कि प्लस करने पर बीच में जो हमारा है एक्स का कोफिशियंट वो आना चाहिए, यानी प्लस करने पर 7 आना चाहिए। कौन से दो नंबर को प्लस करेंगे तो 7 आएगा, और फिर वही दो नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 आएगा। तो 4 और 3 को प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा, और 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे पहला हमारा 12x², अब 4 और 3 है ना, सबके साथ में x लगा हुआ है, 7 के साथ x है, यानी हम कहेंगे 4x और 3x। अब यहाँ देख रहे हैं कि माइनस साइन हमारा है, तो माइनस साइन है प्लस करना है ना, तो प्लस अगर करना है दोनों को तो लिखेंगे -4x - 3x, क्योंकि माइनस माइनस हमारा माइनस होगा और 4 3 7 हो जाएगा, और फिर हमारा प्लस 1 हो गया। इसके बाद हमारे पास में 4 टर्म हो गया, 4 टर्म में 2 टर्म ले लेंगे और इस 2 टर्म को ले लेंगे, इस दोनों टर्म में जो कॉमन होगा उसके बाहर निकाल देंगे। तो 12 है यहाँ, यहाँ 4 है, तो 4 हमारा कॉमन निकल गया, x² यहाँ, यहाँ 1x है तो 1x निकल गया, यहाँ लिखेंगे 4 3 बचा, यहाँ पर 1x निकाले तो 1x बचा, और माइनस ये 4x अगर बाहर आ गया तो बचा हमारे पास में 1। फिर ये दोनों टर्म में कुछ नहीं है कॉमन हमारा, तो जहाँ कोई कॉमन नहीं होता वहाँ वो कॉमन 1 होता है, तो -1 बाहर निकाल दिए तो यहाँ हमारा बच गया 3x, और अगर माइनस को बाहर निकाले हैं तो ये प्लस जगह पर माइनस बन जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अब इतना करने के बाद में एक बात को नोटिस करना है कि जो फर्स्ट टर्म में यहाँ हमारा ब्रैकेट में आ रहा है ना, वही सेम टू सेम यहाँ भी आना चाहिए। अगर ये नहीं आएगा समझिए कि हमारा जो सॉल्यूशन हो रहा है वो रॉन्ग हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि इस टर्म में और इस टर्म में दोनों टर्म में 3x - 1 यहाँ भी है, 3x - 1 यहाँ भी है, तो 3x - 1 को हम लोग बाहर निकाल दिए कॉमन में। तो इस टर्म में अगर 3x - 1 बाहर निकल गया तो 4x हमारे पास बच गया, और इस टर्म में माइनस बचा और सिर्फ 1 बचा, क्योंकि 3x - 1 बाहर निकल गया है, और ये जो हो गया हमारा आंसर हो गया। नंबर 2 में है 2x² + 7x + 3, तो मल्टीप्लाई करते हैं, x² कोफिशिएंट 2 है और कांस्टेंट टर्म 3 है, 2 3 6 हो गया, यानी कि प्लस करने पर 7 चाहिए, प्लस 6 हो रहा है ना, इसे प्लस करने पर 7 चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 6 चाहिए, तो हमारा हो जाएगा 6 और 1, क्योंकि 6 1 6 होगा, 6 + 1 7 हो जाएगा, तो 6 और 1, तो 2x² लिख दिए। यहाँ लिखेंगे 6 + 1 ना, यानी 6x + 1x, तो 1 तो दिखाता नहीं, सिर्फ x दिखाएगा, प्लस 3, ये दोनों में से हमारा 2 कॉमन आएगा और x कॉमन निकलेगा, तो यहाँ 1x बचेगा, प्लस यहाँ 3 बचा, ये दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, 1 को बाहर निकाल दिए तो x + 3 बच गया। अब ये x + 3 दोनों हमारा बाहर निकल गया, तो हमारा बचा 2x और +1, तो लिख देंगे 2x + 1, और ये हमारा हो गया आंसर। नंबर 3 में है 6x² + 5x - 6, ये 6 और ये 6, ये प्लस में या माइनस में, प्लस माइनस माइनस, 6 6 36, मीन्स -36 आ गया, यानी कि माइनस साइन आया है, तो माइनस करने पर 5 चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 36 चाहिए, तो 9 और 4 ले लेंगे हम, क्योंकि 9 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 36 होगा, और 9 और 4 माइनस करेंगे तो 5 होगा, तो हमारे पास मिडिल टर्म स्प्लिट में एक 9 हो जाएगा, एक 4 हो जाएगा, लिखेंगे 6x². अब यहाँ प्लस का साइन है ना, और माइनस करना है, तो बड़ा हमारा 9 है, तो 9 के साथ प्लस का साइन लगेगा, लिखेंगे +9x, और छोटे के साथ माइनस लगेगा, तो -4x - 6 हो गया। इस दोनों में से हमारा 3 और x कॉमन होगा, तो यहाँ बचा हमारा 2x, और प्लस यहाँ बच जाएगा हमारा 3, दोनों में से कॉमन हमारा 2 होगा, तो बचेगा x, और प्लस हमारा बचेगा 3, यानी ये 2x + 3 हमारा बाहर हो गया, और जो बचा हमारे पास में वो है 3x और -2, ये हो गया हमारा आंसर। नंबर 4 में 3x² - x - 4, यानी कि 3 4 12, और ये हमारा माइनस में है ना, यहाँ हमारा प्लस में या माइनस है, प्लस माइनस माइनस, यानी कि -12 होगा,
यानी कि माइनस करने पर ना यहाँ कुछ नहीं है, वन चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर 12 चाहिए, तो 4 3 12 हो जाएगा, और 4 में 3 करेंगे माइनस तो 1 होगा। दैट मीन्स हम लिखेंगे 3x2, या साइन माइनस है तो बड़ा 4 होता है, तो बड़ाई के साथ ही माइनस साइन लगा दिए, और फिर छोटा हमारा 3, तो +3x होगा और -4 हो गया। इस दोनों में कॉमन निकालेंगे तो x बाहर निकलेगा, तो यहाँ बच गया हमारा 3x और माइनस बच गया हमारा 4। इस दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, 1 हो गया, यानी 3x-4 बच गया। इस 3x-4 को हम लोग बाहर निकाल दिए, तो 3x-4 बाहर निकल गया, बच गया हमारे पास में x+1, तो लिख दिया हम लोग x+1, और ये हमारा हो गया आंसर।